कंफर्टेबल नहीं है और वो टॉयलेट नहीं कर सकता, वो किचन में कुछ पक रहा है तो वो उस वक्त डोर बंद कर लेगा या कोई और दूसरी स्मेल उसको पसंद नहीं है। और कुछ बच्चे बार बार हाइपो कंडीशन में है तो वो सेल्फ स्टिमुलेट कर रहे हैं, हर चीज को सूंघ रहे हैं उठा के, यानी अपने सिस्टम को खुद से रेगुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये सेंसरी इंटीग्रेशन की भी कुछ थेरेपीज हैं जिनके जरिए ये सिस्टम रेगुलेट होते हैं और क्लोज टू द नॉर्मल आ जाते हैं। रूही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बात कर रही थी। अगर आप लोग भी इस वक्त टेलीविजन जो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जो है वो नॉर्मल बच्चों से कुछ पीछे हैं उन तमाम कामों में जो कि नॉर्मल बच्चे करते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यकीनन अपने करीबी डॉक्टर के पास या फिर जैसे आप गुफ्तगू भी सुन रहे थे रेहाना साहब रूही साहबा की, आप गुफ्तगू कर सकते हैं। आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं 0213-26-20199 और इसके साथ साथ 0213-26-00200 हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल करके सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, कोयटा से कॉल आई है मिसेज अता रसूल की। जी मिसेज अता रसूल साहब, बताइएगा क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बेटी है आमना, उसको भी यही है, लेकिन हमारे कोयटा में ये मसला है कि हमने अभी मिशन हॉस्पिटल में फ्रैंक नामक सर है, सर फ्रैंक, उन्होंने ऑटिज्म के बारे में शुरू किया है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों में कोई तरबियत कुछ भी नहीं है कि हम किस स्कूल में बच्चे को ले जाए और किसी अच्छे स्कूल में ले जाए। तो वो ये कहते हैं कि आपका बच्चा डल है या और बच्चों के साथ नहीं चल सकता है। अलबत्ता मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसको हर चीज आती है, कलरिंग सब कुछ, लेकिन आप हमें कहते हैं उसमें थोड़ा सा रहती है कमी। अगर हम कराची आए हम किस तरह आपसे मिले और कोयटा में हम क्या करें इन बच्चों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूही साहब, वही मसला कि अब वो कोयटा में बैठे हैं, आपका एक पहला सेंटर है जो कराची में, किस तरह से वो अपने बच्चे को यहाँ तक लाएं। इसीलिए अब हम आपके चैनल के थ्रू हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर गवर्नमेंट से कि जिस तरह हमें गुलशन टाउन, लोकल गवर्नमेंट गुलशन टाउन ने ये सेंटर दिया, और मोहम्मद वासी जलील साहब को थैंक्स कहेंगे आपके थ्रू कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दी सेंटर के लिए। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सेंटर्स खोलें, खासकर गवर्नमेंट के, जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। कोई सेंटर खोलना चाहता है वो आपसे रब्ता कर सकता है, आप उसकी पूरी मदद करेंगे, पूरी सपोर्ट देंगे, उसको ऑर्गेनाइज करके आएंगे और शॉर्ट ट्रेनिंग, क्रश की ट्रेनिंग जो भी होगी वो हम देंगे उनके टीचर्स को, ताकि हर शहर में या एक शहर में एक से ज्यादा सेंटर्स भी खुले। जिस तरह आप सुन रहे हैं कि पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, मुझे वाकई तकलीफ होती है इस तरह सुन के, क्योंकि ये इन चीजों से मैं भी सब गुजर चुकी हूँ। वैसे भी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, और हम जिस तरह से अता रसूल की कॉल अभी हमें मौसूल हुई कोयटा से, तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे माँ बाप तलाश करें जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, और मिलकर एक इदारा बनाएं ताकि वहां पर इन बच्चों की तालीम और तरबियत का एक इदारा खोला जा सके। साथ ही आपको जो मदद दरकार हो वो भी फराहम करने के लिए रूही साहिबा तैयार हैं, और दूसरे शहरों में भी लोग मौजूद हैं। उमर अदनान साहब हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, एक बार फिर चलते हैं उमर अदनान के पास। उमर साहब बताइएगा कि लाहौर में आपके अलावा और कौन से इदारे हैं जहां इन बच्चों के लिए, इन खास बच्चों के लिए काम हो रहा है, माँ बाप अपने बच्चों से रुजू कर सकते हैं। जी लाहौर में काफी तीन चार अच्छे इदारे हैं, और दो दिन के मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि राइजिंग सन है, एक बहुत अच्छा इदारा है जो कि बच्चों पे काम कर रहा है, स्पेशल बच्चों पे काम कर रहा है। ऑटिज्म जो है ये चूंकि तमाम बच्चों में हल्का खोल कर इनका पाया जाता है, इसलिए तमाम बच्चे जो है इसके उसे ही सहायता ले आ जाते हैं इसी के। और इसके अलावा हमारे पास जो है ये कंपास एक स्कूल है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और इसी तरह हमारे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पेशल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना इन हाउस एक फैसिलिटी बनाई हुई है स्पेशल बच्चों के लिए, जिसमें वो ऑटिज्म पे भी काम कर रहे हैं और उनके काफी सेटिस्फैक्ट्री किस्म का काम है। हमारे स्कूल में भी हमारे पास ऑटिज्म में ही ज्यादातर काम हो रहा है बच्चों के ऊपर, और इसमें हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी बच्चों में तब्दीली महसूस की है। कुछ बच्चे हमारे पास जो शुरू में आया था जो कि बिल्कुल बोल नहीं पाते, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इनमें ये होता है कि ये स्पीच का प्रॉब्लम होता है, ये लोग बच्चे जो होते हैं ये दोनों एंड्स पे चलते हैं, जैसे कि बच्चे या तो अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, इनको आप म्यूट बच्चे कह सकते हैं, या ये बोलेंगे तो ये बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, ये अपने आप से भी बातें करते रहते हैं, और इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई होती है जिसमें ये बैठे रहते हैं, ये ख्याली सी दुनिया बनाई होती है, वो अपनी ही चीजों से खेलते रहते हैं, इनकी अपनी एक जिंदगी का एक स्टाइल होता है कि इनको अगर हम किसी भी चीज को डिस्टर्ब करें इनकी रूटीन को तो ये बहुत ज्यादा उस पर अपसेट होते हैं। अगर इन्होंने अपने बनाया होता है कि ये अगर इन्होंने कपड़े किस तरह से रखे हुए हैं उसको छेड़ा जाए, इनके जूतियों को छेड़ा जाए, इनकी किताबों को छेड़ा जाए, तो इससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं।
उमर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, उमर अदनान पेरेंट्स फाउंडेशन ऑटिज्म चिल्ड्रन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज रूही मारूफ जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं। इस मौजू पर हम बात करें, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज अपडेट का। इस कैफियत को ऑटिज्म कहा जाता है। जिन बच्चों में ये परेशानी है उनके वालिदैन क्या इकदाम कर सकते हैं कि उनके बच्चे नॉर्मल के करीब जिंदगी गुजार सकें, बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। उमर अदनान पेरेंट्स फाउंडेशन के चेयरमैन लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। उमर एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि इन बच्चों की अगर बात की जाए तो दीगर जो बच्चे होते हैं घर में और एक ऑटिस्टिक बच्चा है, वालिदैन को क्या रवैया रखना चाहिए इन बच्चों के साथ, खासतौर पर कि उस बच्चे को एहसास कमतरी भी ना हो और दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो खुद को एक अहम फर्द भी तसव्वुर करें। जी बिल्कुल, उसके लिए ये है कि वालदैन को बच्चों के साथ बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। इनको बिल्कुल आप ये महसूस ना होने दें कि ये किसी तरह भी कमतर हैं। इनको दूसरे बच्चों की तरह उनके साथ खेलने का मौका देना चाहिए, उनके साथ पढ़ने का मौका देना चाहिए, उनके साथ का मौका देना चाहिए। अगर जब हम इनको महसूस कराते हैं कि ये बच्चा हमारा जो है ये जहनी तौर पर कमजोर है और इसको एक साइड पर कर देते हैं तो बच्चा खुद ब खुद बहुत पीछे चलता जाता है। हमने अगर अपने बच्चों को अपने साथ रखना है तो उसको साथ लेके चलना है। उसके लिए हम हमेशा पेरेंट्स को यही कहते हैं कि अपने बच्चों को अपने दूसरे बच्चों के साथ अगर जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है इसको साथ रखें, इनको उनसे बिल्कुल अलहदा ना करें, इनको उनके साथ बैठा के पढ़ाएं, उनके साथ बैठा के खिलाएं। वो दूसरे बच्चे जो है वो अपने भाई बहन से वरना खुद ब खुद जो है वो किनारा कश होते जाते हैं। और जो उसके जो दूसरे बहन भाई है जो कि जिनको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं वो भी जो है वो फिर अपने बच्चे से अपने भाई से जो है महसूस करते हैं कि इसको किसी के साथ इंट्रोड्यूस कराते हुए भी तकलीफ महसूस करते हैं या शर्म महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा हम लोग पेरेंट्स को यही कहते हैं कि अपने बच्चे को अपनी फैमिली से बिल्कुल अलहदा ना करें, उसको बिल्कुल हर चीज में उसको बराबर मौका दें और ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करने का बायस बनती है और वो बच्चा जो है वो कहीं भी आपको फिर आगे शर्मिंदा भी नहीं करता। जी उमर, आप हमारे साथ रहेगा। वो तमाम नाज़रीन जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं, इस पे कॉल कीजिए और अगर आपके जहन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो उसका जवाब आपको जरूर फराहम किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कराची से हुसैन हाशमानी। जी हुसैन, बताएंगे कि आप क्या पूछना चाहेंगे। जी हुसैन, आप इस वक्त बराह रास्त हैं, ये बताएगा कि आप कुछ पूछना चाहेंगे इससे मुतालिक। वालेकुम, मुझे ये पूछना था कि मेरा बेटा एक साल का जब था तो वो कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने उनसे चेकअप करवाया और मेरा टेस्ट भी करवाया था जिसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कम सुन रहा है और फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, एंटीबायोटिक्स कुछ दी, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स देना तो स्टार्ट कर दिया। अब वो 2 साल का है मगर वो अल्फाज नहीं कह पा रहा है कुछ, ना माँ ना बाप ना डैडी, कुछ ज्यादा अल्फाज नहीं कह पा रहा है और कोई भी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब एक तरह से जोशीले अंदाज में दोनों हाथ उठा देते हैं और मतलब खुशी का इजहार करता है मगर वो कुछ कह नहीं पाता है। जी बहुत शुक्रिया। आपने रूही साहब, आपने सुनी गुफ्तगू कि डॉक्टर्स ने इनका टेस्ट तो किया लेकिन वो वही बात है कि डायग्नोज नहीं कर सके क्योंकि एक चीज जो निसाब में नहीं है उसके बारे में कैसे डॉक्टर्स बता सकते हैं, तो फिर आप साइन सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं क्या कहेंगे कि फिर क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें फिर मैं यही कहूंगी अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है बच्चे की नीड्स के हिसाब से। जैसे बच्चे का एक डिफिकल्टी हमारे यहाँ है कि बच्चा अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हम लोग सब समझते हैं कि इसकी हेयरिंग नहीं है। हेयरिंग और रिस्पॉन्स 2 अलग चीज है बच्चे को। अगर हेयरिंग उसकी ठीक है और उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट भी हो गई, इसके बावजूद अब उनको बिहेवियर नजर आने शुरू हो गए हैं कि जो चीज उसको अच्छी लग रही है उसको देख के जो वो एक्साइटमेंट शो कर रहा है वो रेगुलर नहीं है, ओवर है कि वो हैंड्स फ्लैपिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑटिज्म का कि बच्चा अपनी एक्साइटमेंट को मुख्तलिफ